पुष्कर घाटी में दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद अब हमारा काफिला, हमारी यात्रा चित्तौड़गढ़ के लिए हरी भरी वादियों के बीच में ये घूमती हुई सर्पाकार सड़कें, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ऊपर देखें चारों तरफ अरावली जो पर्वत, बीच में ये घाटी। घाटी का मौसम जयपुर की अपेक्षा कुछ गर्म है, बहुत ही मनोरम दृश्य। मन हुआ के कार के अंदर से इसको कैद करें हम और अपने हर इष्ट मित्र जानने सुनने वाले तक पहुंचाएं। ये सामने देखिए क्या दृश्य है, राजस्थान की यात्रा पे आइए तो पुष्कर जरूर आइए। अब अभी तक लखनऊ से हमारा उद्देश्य यहाँ एक पूजा का था, पूजा संपन्न करने के बाद अब मैं टूरिस्ट हो गया हूँ और अब इस पूरी यात्रा का आनंद टूरिस्ट के रूप में लूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चलती कार के अंदर से जो कुछ भी दृश्य लिए जा सकते थे वो मैं ले रहा हूँ और इतना लंबी दूरी तक ये खूबसूरती है कि हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी और ये खूबसूरत दृश्यों का सिलसिला ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आगे चित्तौड़गढ़ पहुँच के बचपन की एक कविता याद आती है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी थे या कोई, मैं उतना कन्फर्म नहीं हूँ कि मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगी माला फूल। तो आगे का वृतांत चित्तौड़गढ़ पहुँच के आप सबके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।